लिए। इस वक्त देख रहा है वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कारण ये है कि शराबबंदी को लेकर इनके मोहल्ले में जो शराबबंदी खुलने जा रहा है उसके विरोध में भारी संख्या में यहाँ पर दुर्ग में कलेक्ट्रेट में पहुंचे हुए लोग। आइए जानते हैं क्या है कुछ मामला। जी अपना परिचय बताएंगे। जी मेरा नाम लक्ष्मी साहू है, मैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 27 की पार्षद हूं, भिलाई से। जी क्या मामला लेकर आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए? हम लोग जो पहले वर्तमान में जो शराब दुकान खुली थी उसके खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं। जो ये शराब दुकान कहाँ पर खुल रहा है? साक्षरता चौक के जस्ट सामने। तो वहाँ वर्तमान में बहुत घनी जनसंख्या है, हमारे वार्ड में तो 11,000 लोग हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ ना खोले कहीं, मतलब जैसे विकास कर रहे हैं महापौर जी, ये तो महापौर जी के ही मतलब दबाव से खुला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के दबाव से खुला जा रहा है। तो हमारे भाई और जो वहाँ संचालित हो रहा है उन लोग का रोजी रोटी को मतलब स्थापित कर, सड़क के किनारे ही खुला। हाँ सड़क के एकदम किनारे है। अभी आप लोग कितनी की संख्या में यहाँ पर आए? हम लोग आए अभी 200 लोग। आइए कुछ और महिलाओं से भी जानते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? शास्त्री नगर कैंप वन। वहाँ पर क्या वार्ड 27 क्या मामला है? वहाँ जो पहले शराब दुकान थी बहुत पहले बंद हो चुका था, फिर से उसको सरकार खोलना चाह रहे हैं। जो शराब दुकान बंद हो गई थी उसको फिर से खोलना चाह रहे हैं। उसके विरोध में आप लोग? उसके विरोध में हमारे पूरे वार्डवासी, पूरे महिला, पूरे भाई लोग सब साथ आए हैं कि ये शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। अगर खुल गई तब क्या करें? तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जो होगा जो सरकार से मांग करे वो तो पूरा होना चाहिए ना। नहीं खुलना है उसका तो सब बच्चे लोग, हमारे लड़के, हमारे आदमी सब शराब पी के फिर वही रोड पार करके घर आते हैं, तो उसमें तो खतरा है ना। आइए और जानते हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम जामीन भाई साहू है। जी आप कैसे आए यहाँ पास? मैं दारू भट्टी बंद कराने के लिए साथ में आई हूँ लक्ष्मी साहू पार्षद के साथ, केम्पन भिलाई साक्षरता चौक में रहती हूँ। क्या लगता है अगर इस तरह की जो दुकानें शराब दुकानें जो खुल रही है उसके विरोध में यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, इसके बावजूद भी अगर वो शराब दुकान खुलता है तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और आगे कार्यवाही? जो पार्षद महोदय बोल रही हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे, हम साथ में उनके करेंगे, रहेंगे साथ में। जी मतलब पूरी महिलाएं चाह रही हैं? पूरी महिलाएं चाह रही हैं, कैंपवासी चाह रहे हैं कि वहाँ नहीं खुलना चाहिए। आइए कुछ लोगों से, कुछ युवा लोगों से भी जानते हैं। जी बताएंगे, पूरी बात बताएंगे। दरअसल क्या है, पूर्व में वहाँ शराब की दुकान रही हुई है जिससे कई सी दुर्घटना, मतलब पटरी में क्या है लोगों को पिला के लिटा दिया जाता था और आने वाले जाने वाले जो भी मतलब बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन उस पर पढ़ाई करने जाते हैं, इस पर पढ़ाई करने के लिए आते थे तो क्या पिए हुए लोग रहते थे, उनको छेड़खानी करना, किसी को मारपीट कर देना और बहुत सी समस्या। देखो वार्ड से लगा हुआ हमारा घर है तो कोई भी बच्चा देखता है कि हमारे पिताजी और कोई भी पीने के लिए जा रहे हैं, शराब पीने के लिए जा रहे हैं, तो डायरेक्टली भट्टी में जाते थे कोई, मतलब। अभी आप लोग कैसे आए हैं? अब मतलब कलेक्टेड पहुंचे हुए हैं। हाँ ज्ञापन दिए अभी। हाँ अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं हम लोग। अपना परिचय बताएं। नुहर प्रसाद साहू मेरा नाम है, वार्ड 27 से बिलोंग करता हूँ मैं। किसी भी हाल में आप लोग शराब दुकान नहीं खुलने, नहीं खुलने देंगे, क्योंकि पहले की पीढ़ी जो हम शराब पी के बर्बाद हो गए, किसी का घर नष्ट हो गया, किसी की मतलब धर्म पत्नी शराब के कारण से छोड़ दिए, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो पीढ़ी आने वाला समय कि दारू के नशे में चूर हो जाए। और कांग्रेस की सरकार को क्या है, शराब बेच के लोगों का स्वागत करवा रहे हैं, है ना। और हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम से बहुत सारा अच्छे से अस्पताल भी नहीं बन पाया है ना, अच्छे से स्कूल में सरकारी स्कूल के नाम से खुल तो रहे लेकिन वहाँ पर बच्चे लोग जो है गरीबों के बच्चे ज़्यादा अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार जो है अपने फायदे के लिए शराब दुकान खुलवा रही है लेकिन लोगों का भविष्य को तो बारे में तो नहीं सोच रही है ना, आने वाला भविष्य क्या बर्बादी में चले जाएगा ना। जैसे कि पार्षद महोदय जी अभी आपके समर्थन में पूरे लोग यहाँ पर उतर आए हैं, अब आपकी जो अगली प्रतिक्रिया होगी शराब को लेकर, है ना, तो वो क्या होगी? अगली मेरी प्रतिक्रिया होगी जो अभी शराब के जैसे अभी खुला नहीं है, एक तारीख से बोला गया है, और ये भैया हमारे मेटाडोर संघ के लोग भी आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनके भी साथ देंगे और वो हमारे भी साथ देंगे और हम लोग अंत तक, जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे? जी हम लोग क्या है कि 20-25 साल से हम लोग डाबरी कर रहे हैं वहाँ पर। जी अब हमारा रोजी रोटे छिन जाएगा वहाँ, क्या मतलब होगा? अच्छा जी क्या है, वहाँ पर हम लोग के व्यवसाय करने के लिए गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करने के लिए जगह दिया गया। पहले वहाँ पर महात्मा गांधी मार्केट में गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो राजेंद्र अरोरा जो है
पहले हुआ करता था, कांग्रेस के नेता हुआ करता था, वो मतलब धाधली करके वो जमीन को रजिस्ट्री करा लिया, उसके जगह पे यहाँ पर दिया गया हम लोग को वही वीर सावरकर मार्केट में गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको गाड़ी रखने के लिए जो जगह दिया जा रहा था, दिया गया था, उस जगह को भी उनके द्वारा हड़प लिया गया? नहीं, हाँ वो तो हड़प लिया गया था, उसके बदले यहाँ जगह दिया गया है तत्काल वो गाड़ी खड़ा करने के लिए। 4 साल से हम लोग गाड़ी खड़ा कर रहे हैं और वहाँ पर जो है शराब भट्टी खोलने के लिए फिर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध करने आए हैं। अपना परिचय बताएं। मुन्ना सिंह, भिलाई मेटाडोर परिवहन संघ वाइस प्रेसिडेंट। आपको जी, आप कुछ? मैं भिलाई मेटाडोर परिवहन संघ की तरफ से सरकार से मांग करना चाहता हूँ, अगर हमको रोजगार नहीं दे सकते, कम से कम हमारे व्यवसाय के लिए कोई पाबंदी टाइप का तो ना लगाए, क्योंकि शराब भट्टी वहाँ आने से वहाँ पर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का, क्योंकि मेन रोड है, दुर्घटनाएं वहाँ बढ़ जाएंगी और हमारी गाड़ियों में बैटरी वायर और पैसे की छिनताई वगैरह चालू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, हम लोग की गाड़ी सब किस्तों में है, हमारी गाड़ियों को किस्तों में होने के कारण हम लोगों के लिए अपना जीवन व्यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो शराब खुलना है वो हर प्रकार से हर विभाग हर काम करने वाले को एक समस्या है। जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी समस्या है और हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, हम कोई किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है हमारे पास, हम लोगों ने पूरा जीवन इसमें निकाल दिया है, अब इस उम्र में हम कहाँ जाए, या फिर अगर नहीं कुछ कर सकते, नहीं हटा सकते, तो सीधा हमें बता दीजिए कि हमारे व्यवसाय का कोई इंतजाम कर दे, क्योंकि हमारे पास अब उसके पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है। और उस बार बार हम उस जगह से अगर हटते रहे, एक बार हुआ हमारे साथ धांधली हो गई, जो भी हुआ जगह छीना गया, अब दोबारा फिर वहाँ से हमको व्यवस्थित किया जाएगा, हम ना रहे तो धंधा मार खा जाएगा। अभी आपने सारे लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखे कि शराब को लेकर किस तरह से एक आंदोलन के मूड में आ गए हैं भिलाई के रहवासी, और लगातार जो राज्य की सरकार है उन्होंने शराबबंदी के लिए गंगाजल को लेकर कसम भी खाए थे, इन वादों को भी इनके द्वारा याद दिलाया जा रहा है, और भारी संख्या में भिलाई वासी लोग शराबबंदी, जो शराब की दुकानें जो बंद हो गई थी उसको पुनः न खोले, इस विरोध में यहाँ पर भारी संख्या में कलेक्टर आए हैं। अब देखना यह है कि क्या कलेक्टर इस बात को कितने गंभीर से लेते हैं कि उस स्थान पर जो है शराब की दुकान न खुल पाए, या आगामी दिनों में शराब दुकान खुलती है या बंद रहती है, या आम जनता की बात को सरकार सुनती है, यह एक सवाल है। हर खबर के लिए बने रहिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।